Again, a very good afternoon to all of you, Purnima, Vince, everyone. Good afternoon. Okay. So as we know, जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग narration पढ़ रहे थे. We were reading narration. Okay. And I think we have covered first point regarding narration also, as well as we knew about the definition of narration. डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं. क्या मैंने सारा कुछ बताया था ना आप लोगों को? Tell me, क्या मैंने बताया था? Good afternoon everyone. Good afternoon. Now stop texting the messages. Focus on your study. Okay. तो चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था नरेशन के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद पूछते हैं, बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं कीजिएगा नरेशन में, टेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर उसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दैट इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिविजन ईच एंड एवरीथिंग, उसके बाद भी आप जब रिविजन नहीं करते हो, रिवाइज नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं जाके आपको प्रॉब्लम होगा समझने में. आ रही बात नरेशन के बारे में? चलो एक बार आप लोग थोड़ा रिकलेक्ट करो, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइमिंग देता हूँ. ओके. और उसके बाद मैं पूछना आप लोगों से स्टार्ट करूंगा. ओके एवरीवन, सो आर यू रेडी एवरीवन? क्या आप सभी रेडी है? चलिए, गुड आफ्टरनून उत्कर्ष. चलिए स्टडी पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे आप तो सबसे पहले कौन बताने के लिए बोला है? चलिए पूर्णिमा आप बताओ. यस सर. चलो बताओ नरेशन के बारे में, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, और जो कुछ भी मैंने पढ़ाया. सर, डायरेक्ट स्पीच द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कि राम सेड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, और इसको हम लोग हमेशा राम सेड आई एम योर फ्रेंड. और डायरेक्ट स्पीच को हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं. और दो पार्ट होता है स्पीच का. पहला पार्ट जिसमें कोई वो रिपोर्ट कर रहा हो कि कौन कह रहा है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब या फिर रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. और सेकंड पार्ट जो बता रहा हो उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट वाले पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच, और जो सेकंड बताता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. रिपोर्टेड स्पीच. ओके. और मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कुछ बताया था ना, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब बताया. इनडायरेक्ट स्पीच. ओके. द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर व्हेन आर ट्रांसपोर्ट इन आवर ओन लैंग्वेज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम किसी की कही गई बातों को अपने लैंग्वेज में बताते हैं या सिंपल में, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. जैसे कि He tells me that he is my friend. तो इस वर्ड को हम लोग अपने लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके बता रहे हैं. ओके पूर्णिमा, मैंने एक वर्ड और बताया था आपको कि जब ऑब्जेक्टिव केस रहता है तो उसे किस में बदल जाता है? जब ऑब्जेक्ट रहता है आपके, ठीक है ना, मैंने बताया था आपके रिपोर्टिंग वर्ड में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो वो आपका से या सेज और सेड किस में चेंज हो जाता है? दैट Tell me. तो आपने बोला he tells. इसके बाद कोई objective case आपका नहीं था, right? Yes sir. जो example दिया, तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं which you have to care while speaking. आपको बोलने के समय पर इसको ध्यान देना पड़ेगा, otherwise आपने जो भी रूल याद किया है वो गड़बड़ हो जाएगा. ओके वेरी गुड पूर्णिमा, बट यू हैव टू रिमेम्बर, अच्छे तरीके से इसको और पढ़ना है और रिमेम्बर करना है. अमृत सागर,
Amrit. Amrit. उत्कर्ष, ओके उत्कर्ष, चलिए बोलना स्टार्ट करो आप। पहले आप उत्कर्ष मेरे को ये बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था ना ये सारा, ये देख रहे हो ना ये चार्ट, पर्स, नोमिनेटिव केस, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये सब पहचाना आप सिखाया था, तो चलो इसका फॉर्म सुनाना स्टार्ट करो। तो आई का टोटल फॉर्म, हाँ बोलो बोलो आई पोजेसिव एडजेक्टिव में माई पोजेसिव प्रोनाउन में आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस में अस और फिर यू हो जाता है पोजेसिव एडजेक्टिव में योर पोजेसिव प्रोनाउन में योर्स और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही रहता है। थर्ड पर्सन में ही चेंज हो जाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में हिज, पोजेसिव प्रोनाउन में हिज ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में हिम, और फिर शी पोजेसिव एडजेक्टिव में ही, नहीं शी, हाँ नहीं शी पोजेसिव एडजेक्टिव में हर, पोजेसिव प्रोनाउन में हर और ऑब्जेक्टिव केस में हर। ओके चलो उत्कर्ष, ओके ओके एज यू आर स्पीकिंग गुड, वेरी गुड, यू हैव रिमेंबर। ओके मेरे को आप बताओ, मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको कुछ रूल बताया था, वो याद है? ट्रिक, हाँ यू रूल बताया था, फिर बाद में ट्रिक बताया था, तो वो सारा आप मेंशन करो। तो जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, ओके उसके बाद मैंने एक पढ़ाया था कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस में रहे, फ्यूचर टेंस में रहे, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या टेंस का चेंजिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी बातों को आप थोड़ा सा मेंशन करो तो मेरे सामने। सर जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, सर जैसे ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड है, तो सर इसमें ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड में चेंज हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट स्पीक में टाइम। चलो एग्जांपल से बता रहे हो, वेरी गुड, बट आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहना चाहिए ना, हो सकता है एग्जांपल आपके पास हो, राइट? तो जैसे मैंने बताया है वो भी तो रहना चाहिए ना कि आपके माइंड में है। मैंने पहला एक रूल लिखवाया था आपको, आप लोगों को याद भी होगा, बताया था ना द एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर, ये सब तो मैंने लिखवाया था आपको इनडायरेक्ट में, ये भी याद करके सुनाना है। और मैंने जो बताया था सेंटेंस, ये सब कुछ हो गया था। When reporting speech is in present tense, ऐसा कुछ मैंने लिखवाया था ना, तो बताओ। Yes, sir. इतना clue देना पड़ रहा है आपको। बताओ। When the reporting speech is in present tense or future tense, क्या उसके आगे? When reporting speech is in present tense or future tense, we don't change the tense in indirect speech. Yes, sir. Okay. चलो अब example दो और example के according बताओ। और उसके साथ साथ direct से indirect बनाने में कौन कौन सा rule का use करते हैं ये तो बताओ आप मेरे को, बताइए। जैसे जो first person होता है, first person में subject चेंज हो जाता है और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, तो थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है। अच्छा वेरी गुड, आफ्टर दैट उसके बाद एग्जांपल से बताएं सर। बताओ, जैसे हमने एक सेंटेंस ले लिया, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, जहाँ पे ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन एंड योर सेकंड पर्सन होगा, तो फिर जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही जो है वो सब्जेक्ट में अपने चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही, जैसे आई यहाँ पे ही में चेंज हो जाएगा, तो ही इज माय फ्रेंड। ओके एक और बताएं, हेलो, हाँ बोलिए उसके आगे बोलिए। और जैसे दूसरा हमने कोई एग्जांपल ले लिया, श्याम सेज मतलब तो मैं आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे श्याम सेज दैट ही हैज डन द वर्क। वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट।
Very good. After that, who will speak? Aditya, Aditya others. Aditya others. Unmute करो आप अपने आप को. Aditya. अनय. चलो आप बोलो तो अनय. Yes sir. Good afternoon sir. Good afternoon. चलिए बताइए. सर क्या मतलब आप कोई स्पेशल टॉपिक दीजिएगा. हाँ सर शुरू से. हाँ शुरू से आप बताओ. यस नरेशन वो होता है जो रिपोर्टिंग वर्ड्स स्पीकर के रिपोर्टिंग वर्ड्स को दिखाने के लिए यूज किया जाता है. स्पीकर मैंने क्या रिपोर्टिंग लिखवाया था ये सब बताओ मेरे सर, मैंने जो लिखवाया था ना. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके ओके सर. चलो जो मैंने लिखवाया था वो याद है आपको. यस सर. चलिए वही बोलिए ना सर. इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ द स्पीकर. ओके. नरेशन को मैंने और क्या बताया था कि ये स्टेटमेंट भी होता है ना. नरेशन मींस क्या होता है. यस सर. ये होना चाहे तो स्टेटमेंट होता है. होता है. अब चलो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में बताओ आप मेरे को. यस सर. नॉर्मली टू वेज होते हैं स्पीकर के वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए मतलब रिपोर्टिंग वर्ड्स को बताने के लिए. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. सर डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज. इट इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच. और सर इनडायरेक्ट सर जैसे कि स्पीकर जो बोल रहा है उसके एक्चुअल वर्ड्स मतलब जो उसने जो सेंटेंस बोला उसे साफ साफ सही सही मतलब वैसे ही लिखने को या बताने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. बिना चेंजिंग के जैसे उसने बिना चेंजिंग के. हाँ यस सर. बिना चेंज किए उसे लिखने या बताने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ओके. आफ्टर दैट इनडायरेक्ट अने. चलिए लगता है अने को मेरी आवाज नहीं जा रही है. चलिए अब हम रिवीजन थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं. ठीक है ना. डायरेक्ट की हम लोग जैसे बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जो एक्चुअल वर्ड होता है स्पीकर का सेम इट इज ठीक है ना रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं डायरेक्ट स्पीच कहते हैं बिना किसी चेंजिंग के. और मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या होता है आपका इन्वर्टेड कोमा होता है. क्या होता है आपका इन्वर्टेड कोमा होता है. जो मेन वर्ड जो होता है वो क्या होता है इनक्लोज्ड बाई होता है इन्वर्टेड कोमा. समझ में आ रही बात ना. सेकेंड जो टर्म है इसमें अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट का तो स्पीकर के लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करके यानी चेंज करके सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं विदाउट एनी इन्वर्टेड कोमा. बिना किसी इन्वर्टेड कोमा के. ओके. तो उसे हम क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. एज आई टोल्ड मैंने बताया आप लोगों को इसमें मैंने पहला रूल यही लिखवाया था कि जो जब आपका उसके बाद मैंने क्या बताया आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. मैंने क्या बताया था रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. तो जैसे मैं बोलूंगा यू हैव टू मैसेज. ओके. इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच. टेल मी गाइस. इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर रहता है उसे हम क्या कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. अने ओनली अने. और किसी का मैसेज नहीं आ रहा है. क्या बात है. और जो इन्वर्टेड कोमा के रिपोर्टेड कौन लिख दिया अनिश. कैसे रिपोर्टेड होगा आप बताओ तो मेरे को थोड़ा. सर गलती से सर टाइप हो गया सर. वो रिपोर्टिंग से गलत सर टाइप हो गया. सॉरी. क्लियर करना है. ओके. एकदम क्लियर रहना चाहिए. इसी पे अब मैक्सिमम हम लोग का गेम है और सारा कुछ समझेंगे हम लोग. अब देखो मैंने बोला इसमें पहला रूल कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आपका स्टार्टिंग होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने में देयर आर सम रूल्स व्हिच वी हैव टू फॉलो जिसको हम लोग को फॉलो करना है. फर्स्ट क्या होता है सबसे पहले समझना है. व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे तो जब आप उसे क्या करते हो इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाते हो तो उसका टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं. यही पास्ट में अगर रहता आपका रिपोर्टिंग स्पीच तब चेंज करते हैं. लेकिन कुछ पॉइंट को छोड़कर इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कब हम चेंज नहीं करेंगे जब पास्ट में भी रहेगा तो टेंस में.
तो पहला ये समझ में आपका कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस में रहेगा, तब हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। राइट एवरीवन, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका फर्स्ट पर्सन है, देखो यहाँ पे मैंने लिख कर भी बताया था, सब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन के, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन एंड देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। जनरली ये आपके बुक में एक ट्रिक रहता है, SON, तो देखो यहाँ से एस, यहाँ से ओ और यहाँ से एन दिख रहा है ना, SON। एस मतलब सब्जेक्ट, एस विल इंडिकेट हियर सब्जेक्ट, ओ विल इंडिकेट हियर ऑब्जेक्ट। एंड सर हमको ट्रिक समझ में नहीं आया, तो आप पहले एक बड़े बड़े लेटर में यहाँ पे एस लिखो, यहाँ पे ओ लिखो और एन लिखो, उसके नीचे 1, 2, 3 लिखो। ओके कौशिक, आप क्या करो, यू हैव टू राइट फर्स्ट SON, गिविंग सम स्पेस, फर्स्ट यू हैव टू राइट एस, आफ्टर दैट देयर शुड बी सम स्पेस, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ओ एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एन, और उसके नीचे लिखना है 1, 2, 3। 1 किसको बताएगा, तो आपके फर्स्ट पर्सन को बताएगा कौशिक। सेकेंड, ठीक है, सेकेंड पर्सन किसको बताएगा, ठीक है, सेकेंड पर्सन सेकेंड को बताएगा, ठीक है, सेकेंड जहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड पर्सन को, थर्ड जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन को। अरे बात समझ में, कौशिक थोड़ा आप अपना माइक ऑन करना बाबू, कौशिक। यस सर। चलो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं, थोड़ा क्लियर करो तो आप। सर सब्जेक्ट फर्स्ट, सर फर्स्ट पर्सन को सर सब्जेक्ट है। अच्छा अच्छा, और सर सेकेंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट, बोलो कौशिक, बोलो बोलो, बोलना है, अदरवाइज आई विल राइट योर नेम एंड कॉल टू यू पर्सनली। आप लोग को समझते हो ना कि कट कर दिए उसके बाद बात नहीं होगा, कॉल करके पूछेंगे। अब बोलो कौशिक। नो सर। सर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन को सर नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट बोलते हैं, मैंने पर्सन के बारे में पूछा, पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है प्रोनाउन में, बस सिंपली मेरे को ये बताओ ना। रिविजन किया है कौशिक आपने पिछले क्लास को? और आप लोगों को बाबू वीडियो वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, किस लिए कराया जाता है कि जहां पे आपको समझ में ना आए देन यू हैव टू वॉच वन सेकेंड मोर, आपको एक बार फिर से देखना है और समझना है। आ रही बात समझ में? अभी मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही कौशिक, योर वॉइस इज नॉट कमिंग आप, ठीक है, अभी कौशिक से मैं बात कर रहा हूँ। अमित मैं सबसे पूछूंगा, आई विल कम नियर बाय यू ऑल्सो, ओके डोंट वरी अबाउट इट। Let me ask first from Kaushik. Kaushik? Yes, sir. हाँ, तो बताओ आपने क्या क्लास को रिवाइज किया है? सर यही सर, हमको सर इस वाला जो सर अभी पेज खोल कर रखे ना सर, ये सर समझ में नहीं आया सर। पहले मेरे को पर्सन बताओ ना, ये तो नरेशन का पार्ट हो गया ना, मैंने पिछले क्लास में समझाया था, आपने क्या वीडियो को देखा? मैं यहाँ पे भी समझाऊंगा आपको, 50 टाइम्स पूछोगे, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड 50 टाइम्स until you are not going to understand, जब तक कि आप उसको समझ नहीं जाइएगा। समझ नहीं रहे हैं तब तक मैं आपको 50 times बताऊंगा, and it is my duty to make you understand, और मैं आपको समझाऊंगा। Okay, पहले बताओ कि आपने previous वाले video को देखा जब समझ में नहीं आया तो, या उस समय आपने पूछा? मैंने तो वहां पे भी first person, second person और third person काफी अच्छे से बताया, यहाँ पे बच्चों ने टेक्स्ट करके मैसेज भरमार लगा दिया है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। कौशिक आपका क्लियर क्यों नहीं है, टेल मी, क्या आप क्या आपने प्लेयर किया सर? यस सर, पूरा सर, यस सर, पूरा सर प्लेयर करके सर, करो फेस को टर्न नहीं करो, नहीं किया, ठीक है ना सर, हम आपका सर सबमिट भी किए हुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए जो अभी आप सबमिट किया है ना, आई हैव सीन दैट, मैंने देख चुका हूं, ओके, वो बड़ी बात नहीं है। पहले मेरे को बताओ यहाँ पे मेरी बात, सर आप यही ना पूछ रहा है, यस सर बोलिए। हाँ, मैंने आपसे पूछा पर्सन, ठीक है ना, कितने टाइप्स के पर्सन होते हैं ये बता दो, और कौन 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 से प्रोनाउन जो आते हैं स्पेशली पर्सन में आते हैं ये मेरे को बताओ। अब आप तो देख लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे, बताओ जब वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये कहाँ से आएगा? टेंस पढ़ाया मैंने, उसमें भी आपको पर्सन बताया था। अच्छा टेंस पढ़े हो ना कौशिक, थोड़ा सा टेंस पूछते हैं। चलो मेरे को सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौशिक, सारा जो एडवांस लेवल का रूल है और पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर सुना, क्या
किसके तरफ से साउंड आ रहा है? चलिए कौशिक बताइए, तो कौशिक बताइए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताइए, जितना मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया। मैंने आई हैव सेड सेवरल टाइम, ओके, मैंने सभी को इसे बहुत बार बोला है कि अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है यू विल फेस ट्रबल व्हाइल अंडरस्टैंडिंग नरेशन एंड इट इज हैपनिंग गाइस, ये आप सभी के साथ हो रहा है। आपको मैंने इतना दिन एक्सटेंड कर और एकदम एक्सप्लेनेशन से जीरो लेवल से उठाकर सारा कुछ बताया जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट पेइंग हार्ड वर्क, हाउ विल इट हैपन, कैसे होगा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे करोगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कौशिक। एवरीवन हैज अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सभी कोई के पास अपॉर्चुनिटी है कि समझ ले वो इंटेलिजेंट है या उसको कुछ नहीं आता है। जीरो से मैंने स्टार्ट किया था, मैंने यू के साथ सिंगुलर लगता है, वर्ड भी प्लुरल लगता है, ये सारा कुछ मैंने बताया था। आई के साथ क्या लगता है, यहाँ से मैंने टेंस में स्टार्ट किया था, उससे में भी मैंने पर्सन के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, टेल मी गाइस, बताया था ना कौशिक, बताओ आपसे मैंने टेंस के बारे में पूछा, क्यों रिविजन नहीं हो रहा है? सर प्रैक्टिस सर नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है तो रिमेंबर है ना, प्रैक्टिस है वेरी गुड। चलो ना अभी तो केवल पूछ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स को बताओ जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस में, मैंने जितने भी पॉइंट्स को एडवांस लेवल में बताया था, स्ट्रक्चर को बताया था, बताओ ना तुम। मैंने तो सभी को बोला है कि मैं ऐसे ही पूछूंगा, एंड यू हैव टू कीप ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखना है, और ऐसा हो नहीं रहा है। बताओ कौशिक याद है कि नहीं है? नो सर नहीं है, डायरेक्टली बोलो कि याद नहीं है। कौन करेगा कौशिक याद? सर अब सर अगले क्लास में सर अम्मी से सर पूछेगा, हम सर आपको पक्का सर सुना देंगे। वेरी गुड, आपसे एक्सपेक्टेशन भी है कि आप अच्छा कीजिएगा, ओके, अरे बात समझ में सर, अगली बार सर पूछ लीजिएगा, सर सुना देंगे। वेरी गुड, चलिए कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू सर, बट ऐसा नहीं करो। अब देखो समझो, आपने जो पर्सन के बारे में बताया, अब आप मेरी बातों को समझो, जो आपने क्वेश्चन अराइज किया है, once again I am making you understand, but guys you have to understand that, okay? Students, आप लोगों को समझना है कि जो मैंने पढ़ा चुका हूं, then आपके पास वीडियो अवेलेबल है, एक बार आप उसको देख के क्लियर कर लो ना, टेंस है, आप लोगों को ना एकदम रैंडमली चाहिए कि आप उसको देखते रहो, जब आपके पास फ्री टाइम है तो थोड़ा सा देख लो, ऐसा मैं थोड़े बोल रहा हूँ, आपके पास टाइम है, अगर आप चाहोगे पर डे 30 मिनट्स भी देखोगे तो आपका रिवाइज होते रहेगा, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो और दोबारा देखोगे ना तो और स्मूथली समझ में आएगा, फिर उसके अगले बार देखोगे तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए आपके माइंड में कीप ऑन हो जाए, बैठ जाए, ओके, अरे बात मेरी समझ में। तो ये ना केवल पार्टिकुलरली कौशिक के लिए नहीं है, सभी के लिए, कुछ लोग जो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं जैसे पूछने पर, आयुष चलिए तो अब देखते हैं, थोड़ा सा जो क्वेश्चन था कौशिक का वो समझ लेते हैं, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करवा देते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि आपका जो यहाँ पर पर्सन की चर्चा होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी कम अंडर फर्स्ट पर्सन, आई और वी किसमें आते हैं तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, ओके, आई और वी किस में आते हैं तो फर्स्ट पर्सन में, आई जो होता है सिंगुलर होता है और वी जो होता है प्लुरल होता है, ओके, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, अगर ऐसे जानोगे तो आप, ठीक है, बस अब इतना ही समझो, फर्स्ट पर्सन आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है तो केवल यू, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म रहता है इसका, थर्ड पर्सन में ही सी इट, आर ये बात समझ में, ही सी इट और कोई भी पर्टिकुलरली नेम, और दे इसका क्या होता है, प्लुरल फॉर्म होता है, ये सारा कुछ मैंने बताया था, राइट एवरीवन, बताया था ना मैंने। अब देखो अब क्या करते हैं, अब हम लोग समझते हैं, उसके बाद मैंने बताया कि जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं और आपका केस क्या हो कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ध्यान में रखिएगा प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, इंपॉर्टेंट कोमा कॉन्टैक्ट किसका यूज करते हैं, चलो मैसेज करो सर, मैसेज कीजिए आप लोग, तो इंपॉर्टेंट कोमा कॉन्टैक्ट किसका यूज करते हैं हम लोग, After removing inverted comma, what do we use? Very good, upper man, that, Anay, Siddhi, everyone is doing very good, Rishabh, Kursh, Anushka, very good everyone. But only few of the students are messaging. Only 9 and 10. Kuch hi bache message kar rahe hain.
in spite of that they are statue. नहीं ऐसा नहीं होना है, ठीक है, मैसेज कर रहा है, जो पूछा जाए वहां पे एकदम एक्टिव रहो, करो. आदित्य बोल रहे हैं कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या ऐसा ही हो रहा है क्या? चलो तो ये सब मैंने ये भी बताया था, चलिए चलिए वेरी गुड. मैंने ये भी बताया था कि जब से के बाद आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, मैंने ये भी बताया था ना कि जब आपका ऑब्जेक्ट ना हो तब से किसमें बदल जाता है, से में ही, सेज किसमें बदल जाता है, सेज में ही, सेड किसमें चेंज हो जाएगा, दैट विल चेंज इनटू सेड ओनली, बट इफ इट हैज ऑब्जेक्ट. अब थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्ट भी बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, देखो एकदम बेसिक से होता है ऑब्जेक्ट भी. यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के शुरू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है, इट का इटी होता है, ऐसे ही मैंने बताया था, ही का हिम होता है, सी का हर होता है. ओके एवरीवन, मैंने बताया था ना सभी को. अब देखो इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ड, अगर रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट रहता है तो हम क्या करते हैं, इफ रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट रहता है देन व्हाट विल वी डू गाइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, हम लोगों को समझना है जब ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, वहां पे से टू के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, से टू के बाद ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट टेल. हरी बात समझ में, यानी से टू और ऑब्जेक्ट, यानी टू और ये ऑब्जेक्ट इसमें चेंज हो जाता है, टेल में हो जाता है. हरी बात समझ में, सेज टू ऑब्जेक्ट टेल्स में चेंज हो जाता है, सेड टू ऑब्जेक्ट टोल्ड में चेंज हो जाता है. अब देखो उसके बाद क्या होगा, रिमूव द इन्वर्टेड कोमा, इसको आप रिमूव कीजिए, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कीजिए एंड यूज दैट कंजक्शन. और किसका यूज कीजिए आप लोग, दैट कंजक्शन का यूज कीजिए, किसका यूज कीजिए, देन यू हैव टू यूज दैट कंजक्शन, किसका यूज करना है, इसका यूज करना है आप लोगों को, तो दैट कंजक्शन का. अब उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, राइट, क्वेश्चन दिया था ना मैंने आप सभी को कुछ क्वेश्चंस, राइट एवरीवन, थोड़ा सा उसको देखते हैं और समझते हैं. हाँ, दैट कंजक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा सा ये चार्ट सभी को याद है, ये चार्ट देखो इसमें ना क्या हुआ था, आगे पिछले वाले जो मैंने अपलोड किया था तो इसमें ना मैंने टेक्स्ट किया था, बट क्या हुआ ना कि आर इसमें का रिमूव हो गया था, तो ये तो मेरे को लगता है सभी को अपने से ही कर लिया होगा हर, बट यहाँ पे देख लो करेक्ट है. ओके, ये सभी को ही कोई याद है, किस किस को याद है थोड़ा मेरे को बताओ तो, मैसेज करो तो, किस किस को याद है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है पहचानने में, ये सारा कुछ क्लियर था सर? एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, मैं पिछली क्लास में अटेंड नहीं थे सर. वीडियो आपने देखा, वीडियो किसके लिए है, जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है क्या आपने उसको देखा, मैं तो बता ही दूंगा, क्या आपने उस वीडियो को देखा, टेल मी. नो सर, सर देख लेंगे सर बाद में. चलो तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे पोजेसिव जो है ना जब माई लगा रहता है, माई के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव को शो करने लगता है, किसको शो करने लगता है, पोजेसिव एडजेक्टिव को. और जब यहाँ पे भी माई है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या इसके तुरंत बाद कोई नाउन है, नहीं है ना, तो ये प्रोनाउन को बताता है. आड़ी बात समझ में, पोजेसिव जो होता है वो क्या बताता है, आपके पोजेशन को बताता है, अधिकार की बताता है. ओके, और अच्छे तरीके से के लिए आपने पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो नहीं देखिएगा तो ये अच्छे से आगे का सिस्टम समझ में नहीं आएगा. ओके, वैसे मैंने सारा कुछ रिवाइज कर दिया, बट यू हैव टू सी वंस अगेन मोर, जिसको जहां पे प्रॉब्लम हो आप एक बार वीडियो को वंस अगेन वॉच करो, देखो, और उसके बाद अगर नहीं होता है देन यू हैव टू आस्क, यू हैव माय नंबर. ओके, एंड यू मे आस्क एनी टाइम, आप कभी भी पूछ सकते हो. ओके, अब चलिए, मैंने अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, राइट, अब उस क्वेश्चन को देखते हैं. थोड़ा सा पहले इसको देख लो, राम सेज, क्या सेज के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यस और नो, टेल मी, यस और नो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है देन नो, ऑब्जेक्ट है तो यस. थोड़ा सा देखो, उत्कर्ष वेरी गुड, पूर्णिमा वेरी गुड, पायल वेरी गुड, नो नो, आफ्टर दैट सिद्धि, कौशिक वेरी गुड, ऋषभ, अनुपम, अनुष्का वेरी गुड. ओके, तो देखो मैंने क्या बताया, ये पहचानने का तरीका कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ड प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में, मैंने क्या बताया था, सेज किसको बताता है, वर्ब के कौन से फॉर्म को सेज बता रहा है, आप मेरे को बता सकते हो वर्ब के कौन से फॉर्म को सेज बता रहा है, टेल मी गाइस. पायल वेरी गुड, पायल, अने फर्स्ट फॉर्म को बता रहा है,
फिफ्थ फॉर्म को बता रहा है, हाँ मैसेज आ रहा है आपका, फिफ्थ फॉर्म को बताता है ना, इट टेल्स अबाउट फिफ्थ फॉर्म बाय मिस्टेक, फिफ्थ फॉर्म को बताता है, वेरी गुड, फिफ्थ फॉर्म को बताता है, मैंने बताया था अभी वर्ब में एस या ईएस का ऐड करके हम लोग फिफ्थ फॉर्म को बनाते हैं, और मेरे को बताओ वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिंपली समझना है एकदम, माइंड में बैठाते हुए चलना है, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज, सिंपल प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट टेंस में रहे, मेरे को बस ये समझना है, सिंपल प्रेजेंट ये नहीं, अगर प्रेजेंट टेंस में रहे, यस चलिए आप थोड़ा सा इसको देखिए, चलिए मैंने आपको बोला था ना देखने के लिए, इसीलिए मेरा सॉरी माइक और वीडियो ऑफ था, ओके चलिए वन सेकेंड अब देखते हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे यहाँ पे इस टेंस, ये सेंटेंस में राम सेज, तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि व्हेन वी हैव टू से दैट रिपोर्टिंग वर्ड इज इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जब हम लोग को देखना है कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब जो आपके इन्वर्टेड कोमा से बाहर है, यही मेन चीज है, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब की जो बात करते हैं इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है, सो हियर वी आर टॉकिंग दैट अगर आपका सेंटेंस किसमें रहे, प्रेजेंट में रहे या पास्ट में रहे, पहचानना इस बात को पहले एकदम अच्छे से समझिए, ओके यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो आपका जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दैट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज हो देन वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट दैट सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, ओके, बट जब आपके ठीक है फ्यूचर का यूज होता है तो आप वहां पे देखते ही विल लगा रहता है, शैल लगा रहता है, तो जैसे ही ये देखने को मिल गया यानी आगे वाले सेंटेंस के जो भी टेंस है व्हाटएवर इट इज ऑलरेडी इन टेंस, we have to not change the tense while making indirect speech, जब हम indirect speech बनाते हैं तो उस समय हम लोग क्या करेंगे उसके tense को change नहीं करते, जैसे देखो I have done the work, okay, I have done the work, ठीक है, तो इस sentence को देख के बताओ ये sentence किस में है, ये sentence आपका किस में है, tell me everyone, I have done the work, मैंने आपको tense पढ़ाया, अब ये देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी यू कैन टेल, उत्कर्ष पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में उत्कर्ष, ये पास्ट टेंस में है, अपर में पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में अपर में, थोड़ा आप माइक ऑन करना तो अपन में अपना, ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए खासकर आपसे, उसके बाद ये सेंटेंस किस में है, कल मैं आपसे ना ठीक है कल ही ओके आपसे मैं आपका जितना भी है ना स्ट्रक्चर वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ओके सर तीनों टेंस का, तीनों टेंस का क्योंकि आपको याद नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है ना टेंस आपका, यस सर अब याद आया, अब याद आया, तो कल जो है आप सबसे पहले जब आपका नेक्स्ट क्लास होगा
देन यू हैव टू टेल मी, ओके आपको मेरे को याद दिलवाना है कि सर आप मेरे से स्ट्रक्चर सुनिए, ओके ओके सर, ओके सर, ओके आई विल डू इट सर. चलिए नेक्स्ट और देखते कुछ लोगों का था, उनसे भी बात करते हैं. अदिति, आदित्य, आई थिंक आदित्य, सभी कोई को कल, ठीक है, जितना टेंस का मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था सभी कोई को कल याद रहना चाहिए और प्रैक्टिस करना है टेंस देखकर कि कौन से टेंस में है. अरे बस समझ में, सभी कोई को, ये सभी कोई से होना चाहिए. सबसे पहले कल हम यही सुनेंगे आप सभी से, ठीक है, और जो मैंने चार्ट लिखवाया था वो सारा कुछ सभी कोई को याद रहना चाहिए, ओके. चलिए, तो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा, ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखेंगे, क्योंकि इधर जो मेरा है रिपोर्टिंग वर्ब है. उत्कर्ष आपने भी गलत बताया था, ठीक है, जो चार्ट मैंने आपको लिखवाया था ना पोजेसिव वाला, वो चार्ट सारा कुछ याद रहना चाहिए टेंस से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ज्यादा आपको से पूछा जाएगा, ठीक है, आफ्टर दैट आई विल टीच. ओके एवरीवन, ये सभी कोई के साथ होना चाहिए. अब देखो राम सेज दैट ही हैज डन द वर्क. अब देखिए, अब राम सेज दैट ही हैज डन द वर्क, तो अब देखो ही हैज डन द वर्क, तो ये भी मेरा क्या था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये भी क्या है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना. अब देखो राम सेज, तो सेज ही रह जाएगा, क्यों रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या किया कि इनवर्टेड कॉमा को रिमूव किया एंड आई हैव यूज्ड हियर दैट, मैंने क्या किया यहाँ पे दैट का यूज किया. हरी बात मेरी समझ में सभी को, और उसके बाद आई जो है मेरा किसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, आई विल फर्स्ट पर्सन. आई क्या है, कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, टेल मी एवरीवन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड. तो फर्स्ट पर्सन मेरा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो आई यहाँ पे राम, राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा ना, ही, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में, देखो हो गया. उसके बाद ही के लिए क्या हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं हैज का यूज करते हैं, हैज डन का डन द वर्क. अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ बनाने के लिए दिया था, राइट एवरीवन, कितने लोगों ने बनाया है इसे, कितने लोगों ने बनाया है, टेल मी हाउ मेनी पीपल, टेल मी एवरीवन, आई हैव टू नो. डन सर, डन सर, डन सर, ओके. तो चलिए, आप सभी ने डन किया है ना, आप सभी ने इसे बनाया है, तो अब एक एक करके पहले इसको हम समझते हैं, ठीक है, एक एक करके. आज जो है आपका क्लास रिवाइज समझो तो करवाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, और जब ये आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, ये सब सारा कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग काफी आसानी से सारा कुछ कवर कर सकते हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में समझने में. चलिए, सभी कोई ने बनाया है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं. आई सेड टू देम, इसमें आई क्या है, मैसेज कीजिएगा आप लोग, आई क्या है, देखिए देयर आर 33 पर्सन, ओके 33 पर्सन है, एक्सेप्ट मी देयर आर 32 एंड एवरीवन हैज टू स्पीक, सभी कोई को बोलना है, कीप दैट द थिंग इन योर माइंड. चलिए पहले सेंटेंस को देखिए, पहले सेंटेंस को देखिए, एवरीवन हैज टू सी, चलिए 1 मिनट गाइस, अरे बात समझ में आ रही है ना, तो आप लोग बताओ आई क्या है मेरा, कौन बोल रहा है पोजेसिव, फर्स्ट पर्सन नहीं, इधर देखो, इधर हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन देखेंगे, इधर आपका देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताए थे ना उत्कर्ष, इस बात को समझो आप लोग, सभी कोई गलत मैसेज कर रहे हो. यहाँ पे आई तो है ही फर्स्ट पर्सन, बट यहाँ पे सब्जेक्ट है, बस ये समझो, यहाँ पे क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है. ओके एवरीवन,
यहाँ पे आई क्या आपका सब्जेक्ट, इसके बाद देव क्या है ये बताओ देव। इधर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना है, इधर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आप देखते हैं। ओके सब्जेक्ट देव क्या है आप लोगों का, देव ऑब्जेक्ट, वेरी गुड देव क्या है, वेरी गुड ऑब्जेक्ट। बट ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर मैसेजिंग, बहुत कम ही स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, सभी कोई को करना है। ओके वेरी गुड, अब देखते हैं आगे, ये आपका आई क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, वेरी गुड हेल्प आपका वर्ब है। यू क्या है, यू क्या है सेकंड पर्सन, अच्छा सेकंड पर्सन में यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस ये मेरे को बताओ। ऑब्जेक्टिव है, वेरी गुड। चलो अब यहां पे देखते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो क्या हम इसको लिखेंगे आई टेल देम, आई टेल देम दैट, और देखो आई टेल देम इनवर्टेड कोमा हटा, यहां पे क्या लगा दैट लगा। ओके एवरीवन क्या लगा यहां पे इनवर्टेड कोमा हटा एंड वी हैव यूज्ड दैट। उसके बाद जो ये मेरा फर्स्ट पर्सन है आई यहां पे भी है, यहां पे भी आई है, तो ये चेंज भी होगा तो क्या हो जाएगा आई ही ना आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में सभी को, आप लोग बोल भी सकते हो ओके, मैसेज नहीं करना है बोलना भी है, अब ध्यान से समझो मैसेज नहीं करो बोलना सब ठीक है, क्योंकि ज्यादा समझ में आएगा आई थिंक। ओके पूर्णिमा क्या पूछना है, पूछो पूर्णिमा। नो सर वो पहले का ही हैंड रेज था। ओके ओके तो चलो आप लोग समझना, तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना, ये मेरा सेंटेंस किस में है, किस टेंस में है, देखो इधर तो से है, यानी ये मेरा सेंटेंस किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, यानी इधर वाले के टेंस में तो चेंजिंग नहीं ना करेंगे हम, करेंगे वेरी गुड नहीं करेंगे। अब मेरे को बताओ आई हेल्प यू, पूर्णिमा कौन सा टेंस है आई हेल्प यू, सर प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड, तो ये प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए। ओके तो अब देखो आई का आई हो गया यहाँ पे हेल्प, तब हेल्प का हेल्प ही होगा ना, क्योंकि आई के बाद क्या होता है वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं राइट, हेल्प हो जाएगा। और देखो अब देखो ये मेरा क्या ऑब्जेक्टिव केस किसके अकॉर्डिंग बदल चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई हेल्प देम, आई हेल्प देम, वेरी गुड यहां पे क्या हो जाएगा आई हेल्प देम, हमारी बात समझ में आ गई। चलो ध्यान से सुनना सेकंड वाला भी सुनो, जिसके तरफ से ना पीछे से बैकग्राउंड कोई भी साउंड आ रहा है वो अपने आप को म्यूट ही रखेगा, वैसे लोग अपने आप को अनम्यूट रखे जिनके पीछे से कोई भी बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट एनी टाइप ऑफ डिस्टरबेंस व्हाइल हैविंग अ स्टडी। ओके ओके एवरीवन चलिए अब सेकंड वाले सेंटेंस को देखते हैं, दे से टू मी वी हेल्प यू, यहाँ पे सबसे पहले क्या है हम आपका रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस को चेक करेंगे, मेरा टेंस किस फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट है, क्या लगता है कि पास्ट टेंस में है, क्या किसी को लगता है कि पास्ट टेंस में है, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं लगता है ना, नो सर। अब चलो तो ये अब इधर वाला क्या है, टेंस में हम चेंजिंग करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, नो सर नहीं करेंगे, नो सर नहीं करेंगे, वी हेल्प यू लिखा हुआ है, ये बताओ तो मेरे को ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस, कौन सा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो देखो ये अगर आप जानते हो ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस नहीं बोलो, डायरेक्टली बोलो कि सर दिस इज अ प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, यू कैन से दैट। अब देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं, दे मेरा क्या है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या है मेरा वर्ब, और टू भी मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सभी को पहचान में आना चाहिए। वी मेरा क्या है सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्लुरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन का प्लुरल फॉर्म, वेरी गुड ऐसे पढ़ना है। हेल्प मेरा क्या है वर्ब, देखो यू यहाँ पे क्या है, ये भी सेकंड पर्सन है, ये समझो सेकंड पर्सन, ठीक है ना, सेकंड पर्सन। अब देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, अब इसको हम चेंज करते हैं बनाना इनडायरेक्टली, तो पहले क्या लिखेंगे दे, उसके बाद से लिखेंगे या टेल, टेल
कोशिश करो मैसेज नहीं करो अभी अगर मेरे साथ बोलोगे देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग ओके अब देखो नैतिक ने बहुत अच्छा बोला अच्छा एक बात बताओ ये तो मेरा फर्स्ट पर्सन है ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर एंड यू हैव यूज्ड देयर दैट अब देखो दे हो गया दे के बाद हेल्प और इसके बाद क्या हो जाएगा यू किस में बदल जाएगा दे हेल्प काइंडली जिसके तरफ से ना मैंने बोला की दूसरे तरफ से साउंड आ रहा है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले ओके तो देखो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है अपना रेशन yes, sir. सीता विल टेल मी आई नीड योर हेल्प सीता विल टेल मी I need your help. Okay, Sita will tell me I need your help. अब इस सेंटेंस को देखो अब आगे वाला आप लोग बनाना चलो अच्छा अब चलो इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सीता विल देखो ये पहले ही से मेरे को टेल में कर दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है थैंक यू बोलना है टेल कर आई को सी में बदलेंगे सर इसको सीता को पहले देखो मेरी बात को समझो जो मेरा इधर वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच सभी कोई बोलो रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच माही आप रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच माही आप एकदम साइलेंट हो आज आपने कुछ भी नहीं बोला है मैं सभी को नोटिस कर रहा हूं ओके तो देखो तो अब इस बात पे देखो यहां पे बोलोगे कि सर यहां पे तो पहले ही से डायरेक्ट में ही टेल में चेंज किया गया है क्या क्या है ना तो कोई बात नहीं है ना थैंक यू बोल देना क्या बोलना है थैंक यू कि आपने पहले से चेंज कर दिया ओके समझ में आ रही बात जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे सीता विल टेल मी इनवर्टेड कॉमा हटा यहां से क्या लगा दैट दैट आई नीड तो देखो आई है ना आई आई क्या हो जाएगा आई सी में चेंज हो जाएगा सी में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोनाउन प्रोनाउन यूज करेंगे सीता के लिए सेंटेंस तो ये मेरे को बताओ आप कि आई किस में बदल गया सी में बदल गया ना yes, ये तो मेरा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था तो इसको तो हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे ना चेंज तो नहीं कर सकते हैं तो एक बार बताओ सी के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है फिफ्थ फॉर्म नीड को क्या नीड्स में चेंज कर देंगे यस सर सी नीड यस सर अब देखो यहां पे योर क्या है मेरा ये बताओ मेरे को पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव सर एडजेक्टिव है ना यस सर योर लेकिन ये सेकंड पर्सन है ना यस यस सर तो योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मेरा क्या है मी मी अब यहां पे क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सर तो यू का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा माई हो जाएगा माई आई ना होगा तो वही ना आई का पहले जाएंगे आई आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है माई होता है तो सी नीड्स माई हेल्प किसी को कोई प्रॉब्लम नो सर नो सर तो देखिए ये सारे क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा इसमें एक और क्वेश्चन लास्ट में करवा देता हूं बता दीजिए ना तो लास्ट वाला में थोड़ा डाउट दीप जीजा जी के फोन आ रहा है क्या उत्तर लो कि ना कौन है आपको समझ में नहीं आ रहा है पढ़ते हुए आप स्टार्ट हो जा रहे हो क्यों लिखे तो मम्मी ना कर बड़े पापा तो है मेरे को देखने दो तो वो कौन है थोड़ा सा एक मिनट गाइस आदित्य
आदित्य आप रेस्ट करो आज क्लास से, ठीक है सर? वो सर थोड़ा सर तो आपको समझना चाहिए था कि अपन म्यूट हो सर, लाइन आपको समझना चाहिए था कि मोटर चालू करने गए थे सर। तो आप मोटर चालू करना है देन यू कैन आफ्टर योर क्लास, क्लास के बाद भी कर सकते थे। किस लैंग्वेज में किससे बात कर रहे हो ये समझना जरूरी है। क्लास का कुछ डेकोरम है उसको फॉलो करो सर बाबू, ठीक है? आइंदा ये सब गलती नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सर लाइन नहीं आ रहा था। चलो यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन को, सभी कोई को समझाना है। थोड़ी देर के लिए मैं आप लोग को अनम्यूट कर रहा हूँ, तब ये हाल है, समझिए मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो द बॉयज, बॉयज है यानी सिंगुलर है कि प्लूरल है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जब इधर आएगा तो ये दे में बदल जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। हमारी बात समझ में ना? यस सर। अब देखना मेरी बात को समझना, एकदम ध्यान से समझना। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे द बॉयज सब्जेक्ट, ओके? यहाँ पे मी मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। यू मेरा क्या है? सेकंड पर्सन, यस सर। सेकंड पर्सन है, यस सर। आप देखो यहाँ पे आते हैं, आवर क्या है मेरा? पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव है ना, प्रोनाउन है सर, पोजेसिव प्रोनाउन है, होता है तब ना प्रोनाउन होता है। अच्छे से देखो बाबू, ठीक है? तो अब देखो मेरे को पोजेसिव प्रोनाउन से भी मेरे को मतलब नहीं है, ना ही एडजेक्टिव से मतलब है। आवर में किस में आता है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में? फर्स्ट पर्सन, इसके नीचे भी लिखो फर्स्ट पर्सन, इसके भी नीचे फर्स्ट पर्सन लिखो, ठीक है? अरे बात समझ में, ना इसके नीचे भी फर्स्ट पर्सन लिखो। अब देखो, अब एंड, एंड हो गया लगा हुआ है ना, इसके बाद देखो वी क्या है मेरा, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? प्लूरल है ना, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। बट यहाँ पे अब देखो समझ में आने जा रहा है ना, सीधे पहले पेन लगाना स्टार्ट करो, नीचे अंडरलाइन करो, अगर अच्छे तरीके से विदाउट कमिटिंग मिस्टेक बनाना है, थोड़ा सा भी माइनर भी, तो बस पेन लगाकर पहचानना सीखो। अगर पहचानने आ गया, प्रैक्टिस करने आ गया, तो सबसे आसान लगता है, बहुत मजा आता है इसको बनाने में। हरी बात समझ में? उत्कर्ष पेंटिंग बंद करो बाबू, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ओके? तो क्या हो जाएगा आपका, वी वर योर फ्रेंड्स, ओके? तो देखो वी मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ओके? ओके एवरीवन, उसके बाद वर्ड क्या है आपका, पास्ट है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, उसके बारे में हम बात करेंगे। योर मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? अपने नोटबुक पर लिखा है, ईमानदारी से बताना। यस सर, यस सर, यस सर। मैंने अंडरलाइन करवाया कि आपने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अंडरलाइन किया है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आपके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ओके? बोलो सर, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए आप लोग। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व हो गया, कौन बोलेगा फिर से समझा दीजिए, कौन बोले बाबू फिर से समझा दीजिए, थोड़ा बताइए। देखो जिसके तरफ से बैक से साउंड आ रहा है ना, आवाज आ रहा है, वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट कर लो, नहीं तो अदरवाइज मैं बंद करके समझाऊंगा तो इतना समझ में नहीं आएगा आपको, मेरे को जहां तक लग रहा है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को भी लग रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, ओके? तो अब देखो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना इनडायरेक्ट में, तो पहले क्या था, बॉयज से होगा कि टेल होगा? यहाँ पे टेल होगा सर, टेल होगा। क्या उसके बाद टू लगेगा? नो सर, नो सर। देखिए तो मेरा क्या होगा, द बॉयज टेल मी, क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। कोमा को हटाएं, दैट लगाएं, इंपॉर्टेंट कोमा को हटाएं, इसको लगाएं, दैट, दैट। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है ना। अच्छा अब यहाँ देखो, बट मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे यू वर्ड, यू जो स्टार्ट हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह आ रहा है कि सब्जेक्टिव केस की तरह आ रहा है? सब्जेक्ट की तरह आ रहा है। देखो यू वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग हो गया ना, तो सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, तो बताओ
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये मी ऑब्जेक्ट है तो इसका इसका मी का ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आई आई आई, तो यू किस में बदल जाएगा, आई में, आई 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 के साथ का यूज करते हैं या वाज का यूज करते हैं, वाज वाज हो जाएगा आपका यहाँ पे, यस सर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, नो सर, नो सर, प्रॉब्लम है देन यू हैव टू टेल मी। देखो उत्कर्ष आगे आगे बनाए, गलत बनाए कोई बात नहीं है, आपने कोशिश तो किया। अब देखो यहाँ पे जो आवर है वो फर्स्ट पर्सन का प्लुरल फॉर्म है या सेकंड पर्सन का प्लुरल फॉर्म, फर्स्ट पर्सन का है ना, फर्स्ट पर्सन का। अब ये बताओ फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा फॉर्म है, पॉजेसिव, तो अब चलते हैं हम फर्स्ट पर्सन के पास। मेरा फर्स्ट पर्सन द बॉयज है, यानी कि जनरली वो क्या है, ये इसको क्या माने, दे है, तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा मेरा, देयर, देयर, देयर होगा, तो देयर हो जाएगा। और इसमें आई वाज देयर फ्रेंड, फ्रेंड, आई वाज देयर फ्रेंड एंड दे वर, और सर वी अभी है ना, ये वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल है, प्लुरल फॉर्म। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बॉय के, तो ये क्या हो जाएगा, दे, दे हो जाएगा, दे होगा, दे वर्ड, दे वर्ड, और ये योर किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, माय, आवर फ्रेंड हो जाएगा, माय एंड आवर फ्रेंड, दे वर्ड माय आवर फ्रेंड, दे वर्ड आवर फ्रेंड, आवर फ्रेंड होगा, माय फ्रेंड से Our friend होगा, second person, my friend होगा, second person है ये, तो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, second person किसके अकॉर्डिंग बदलता है, उत्कर्ष, sorry sir, my friend sir, second person किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ये बताओ, sir object, 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 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, sir object के अकॉर्डिंग, my friend, okay, अब ईमानदारी पूर्वक बताना, अब ये जो क्वेश्चन, अब देखो आप लोगों ने बनाया इसको, यानी मैं अगर बनाऊंगा तो इसे मैं क्या करूंगा कि the boys tell me that, ठीक है ना, I was, ठीक है, I was their friend, I was their friend and they were my friend, they were my friend, my friend, तो सबको honestly बताएगा किस किस को यहाँ तक narration अच्छे से समझ में आया और आ गया, मतलब अब आ रहा है उनको समझ में कि कैसे चेंज करेंगे, और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब रेज हैंड करो, आई हैव टू सी एवरी स्टूडेंट, ऑनेस्टली बताना है, देखो अपने अनुसार, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि आप अगर ऑनेस्ट रहोगे देन यू आर एबल टू लर्न, आप सीख सकते हो, अदरवाइज क्लास 10 के बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है, नरेशन नहीं आता है, तो इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर हैंड, ठीक है ना, कि आपको सीखना है कि नहीं सीखना है, जो आपका फर्स्ट क्लियर टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना है कि नहीं करना है, अड़ी बात समझ में ना, क्योंकि अब ये आप लोगों का हाई टाइम है, इसको अच्छे तरीके से समझना और एकदम बेसिक से, और एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं आपको। बात कुछ बच्चों को आया, और सभी ओनली 9 and 10 बॉयज, आदित्य आपको समझ में नहीं आया, आदित्य, आदित्य क्लास कर रहे हो आप, बाबू थोड़ा आप अपना दिखाओ तो मेरे को, यस सर, चलो आपने रेज हैंड नहीं किया था, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, नो सर, सर ये रेज हैंड में कर रहा था, थोड़ा सा वीडियो ऑन करो, तो सोए हो क्या, आवाज तो लग रहा है कि सोए, थोड़ा वीडियो ऑन करो तो आप अपना, मेरे को देखना है, वीडियो ऑन करो तो, बुक दिखाओ, बुक दिखाओ, कहाँ पे पढ़ रहे हो, वेरी गुड आदित्य, देखिए आपका थोड़ा सा ओके वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ मेरे को आदित्य, क्या कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है या सारा कुछ समझ में, अभी वीडियो ऑन रखो ना, मेरी तरफ देखो, यस सर, मेरी तरफ करो ना अपना, ये जो क्या बोलते हैं फेस की तरफ, टर्न कर, चलो बताओ क्या नरेशन समझ में आ रहा है आपको, यस सर, सर जो बता रहे हैं सर आ रहा है समझ में आपको, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम सारा स्ट्रक्चर सुनेंगे, और जो कुछ भी मैंने नरेशन में पढ़ाया है अभी तक मैंने आपका एक भी मैसेज नहीं देखा है, दैट्स व्हाई सर भेजे हैं सर मैसेज हम, ठीक है, आपने रेज भी हैंड नहीं किया था, तो सारा आपसे स्ट्रक्चर टेंस का सुनूंगा मैं, आ रही मेरी बात समझ में,
नेक्स्ट क्लास में, और नरेशन में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है आज का वीडियो और जो पिछले वाला वीडियो है उसको आपको एटलीस्ट टू और थ्री टाइम्स देखना है, अरे बस समझ में। और जहां पे प्रॉब्लम होगा देन यू हैव टू आस्क, आप एक प्रॉपर टाइमिंग उस टाइमिंग में मेरे से पूछ भी सकते हो जहां पे प्रॉब्लम हो। ओके आदित्य, ओके सर, ओके, चलिए समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को कोई प्रॉब्लम? जो हम लोग पढ़े थे आज उसी का हमने प्रैक्टिस किया। चलो और बताओ, और कुछ पूछना है इसमें कि थोड़ा सा आगे मैं बताऊं? अब थोड़ा सा रूल को चेंज करते हैं, क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अब चलिए अब देखते हैं, अब देखो, अब तो हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो क्या रहे प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में रहता है तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज नहीं करते हैं, राइट? मैंने बताया था ना आप लोगों को। बट अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही आपका रिपोर्टिंग या प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं उसी को, रिपोर्टिंग जो आपका रहता है स्पीच, ठीक है, तो वो आपका पास्ट टेंस में हो, उसको पहचानने का तरीका सिंपल सा तरीका कि आप उसको कैसे पहचान सकते हो, ठीक है, सिंपल सा तरीका उसको पहचानने का, तो वो सेंटेंस देखो, आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाले में ना सेड लिखा हुआ रहेगा, सेड ये वर्ब का क्या है, सेकंड पार्ट है, और जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा ना तो जो इधर टेंस है, इस बात को समझना, जो इधर टेंस है मेरा, जो इधर मेरा टेंस है उसको हम क्या करते हैं ना, जैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, आई लाइक दिस वेरी मच, आई सब्जेक्ट वर्ब वन यूज हुआ है कि नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है ये, तो इसको हम क्या करते हैं, ये सेंटेंस को यानी कि जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। अरे बात समझ में, थोड़ा सा समझ में आएगा, एक दो बार रिपीट करूंगा और इस पे भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले पॉइंट को देखते हैं, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, वो क्या रहे आपका इधर वाला, इधर वाले को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं ना, तो आपका पास्ट टेंस में रहे, किसमें रहे, पास्ट टेंस में रहे। ओके एवरीवन, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में रहे, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में रहे, आ रही मेरी बात समझ में, तो क्या करेंगे हम, तो ठीक है, अगर ये अब इस पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, तो इसको हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे, अगर मेरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कंटिन्यूअस में रहेगा तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और यही लिखे हैं मैंने, यही लिखा है मैंने, व्हेन द रिपोर्टिंग और प्रिंसिपल वर्ब इज इन पास्ट टेंस, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू कॉरस्पोंडिंग पास्ट टेंस, उसको हम क्या करते हैं, उसके कॉरस्पोंडिंग पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, उसके हम कॉरस्पोंडिंग पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वी चेंज दैट, क्या करते हैं हम, उसे हम चेंज करते हैं। ओके, अब देखो, एक जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स अ सिंपल पास्ट टेंस, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है वो क्या बन जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। अब देखो यहाँ पे ही सेड, चलो इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पे लिखो तो थोड़ा सा समझ में आएगा बहुत अच्छे से, ही सेड, अब बताना मेरा रिपोर्टिंग वर्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल पास्ट टेंस में, सभी को ही बताओ, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जब सिंपल पास्ट टेंस में है तो इधर वाले अब टेंस को देखते हैं, आई लाइक दिस वेरी मच, तो आई उसके बाद लाइक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है, सेंटेंस, यस सर, जब ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो इसको हम क्या करेंगे, तो जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच है ना जो प्रेजेंट टेंस में, उसको हम सिंपल पास्ट में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, सिंपल पास्ट में, तो यही देखो लिखा हुआ है, अ सिंपल प्रेजेंट टेंस बिकम्स अ सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें बदल जाता है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि अब बाबू ठीक है, अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, तो यहाँ पे आई लाइक फिश वेरी मच, ओके एवरीवन, आई लाइक फिश वेरी मच, ये मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, उधर तो मेरे को क्या देखना है, पास्ट देखना है, अच्छा पास्ट में है तो चलो इधर आओ, रिपोर्टेड स्पीच के पास आओ, इस दोस्त को पकड़ते हैं, देखते हैं ये कौन से फॉर्म में है, पहले इसको सर्च करते हैं, तो क्या है, स्ट्रक्चर को याद करना जरूरी है, yes, sir.
अब देखो मेन यूज आएगा स्ट्रक्चर, जिस जिसको याद है वो बोलेगा कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर, एकदम ऐसे ही बताइए। और जो जिस जिसको स्ट्रक्चर याद नहीं होगा उसको लगेगा कि उसने ना जघन्य अपराध किया है, ठीक है। तो सभी को याद कर लेना है, क्या सभी से याद हो जाएगा? यस सर। अरे एक बार बताओ, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। ये जो इंग्लिश है आप बोलना भी चाहते हो ना, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, डज इट? यस ऑफ कोर्स, यस इट इज वेरी गुड, ठीक है। बट अभी भी ना कुछ ही लोग का मेरे को ना देखने को मिल रहा है, ये जो बोलते हैं हम क्यूरियोसिटी और सुप्ता, बस कुछ ही बच्चे बोले हैं यस सर सभी को करना है, वेरी गुड सत्यम, ठीक है। याद करना कोई बड़ी बात है, 5 टाइम्स आप प्ले करना, उसको लिखोगे तुरंत याद हो जाएगा। Yes, sir. और देखो ये पढ़ाने के बाद ना, ये इतना हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको एक एक रूल, उसके बाद मैं 1 से 2 क्लास लूंगा और इसी चीज को शॉर्टकट में कैसे बताऊंगा कि सारी चीज को आप कोलेबरेट करके माइंड में रख सकते हो और किसी भी टेंस को आप बना सकते हो नरेशन को एकदम तुरंत। बट इससे पहले सभी को याद करना है जो कुछ पढ़ा रहे हैं, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अब देखो इसको किस में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे ना। तब देखो ही सेड, क्या इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस है? ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, मेरा वर्ब का सेकंड पार्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, यानी पास्ट टेंस हो गया। इंपॉर्टेंट को बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट को बनाता है किसको लगाना है। हां वेरी गुड, दैट हो गया। ओके एवरीवन, अब देखो ये आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, नॉट इन वही लगता है। क्या हो जाएगा ये थर्ड पर्सन सर, ही सेड नो सर, ही लग जाएगा, ही लाइक ही वेरी मच, ही लाइक fish, very much क्योंकि like क्यों जाएगा, क्योंकि verb का second form का use करेंगे तब ना past में जाएगा मेरा sentence। yes sir, याद करो मैंने पिछले जन्म में पढ़ाया था, जब simple past tense मैंने पढ़ाया था, इसी जन्म में पढ़ाया था। अच्छा sorry इसी जन्म में पढ़ाया था, इसी जन्म में, कोई बात नहीं, जन्म मतलब भी, अच्छा इसी जन्म में मैंने पढ़ाया था। ओके माफी इसके लिए, ओके गलती हो गया। चलिए दूसरे कोई को पढ़ाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पिछले जन्म का याद है सारी चीजें, अरे बहुत कुछ याद है पिछले जन्म का। चलो तो देखते हैं अब यहाँ पे, तो ये मैंने बताया था आपको कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद भारत का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ना। yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे आई जो मेरा है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा ना। देखो वर्ब का सेकंड फॉर्म द लाइक, लाइक का सेकंड फॉर्म जिसको याद होगा लाइक। फिश वेरी मच, मेरे को फिश अच्छी नहीं लगती है, आप ही लोग के लिए सेंटेंस है, चिकन रहता तो बोलते हैं मेरे लिए। चलिए अरे बस समझ में ना, तो आज जो मैंने पढ़ाया बस हल्का मैंने एक पॉइंट को कवर किया है कि ज्यादा होच पुच ना हो, होच पुच मीन्स खिचड़ी ना बने, सारी बात समझ में ना। ये भी मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप ही लोग खाओ, ठीक है, अरे बस समझ में। तो इतना जो मैंने बताया आप लोगों को, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ोगे। देखो मैं अपना 100% दे रहा हूँ ना, एक एक चीज समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि नहीं समझा रहा हूँ, ओके आपने पढ़ा भी होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरी जगह पैसे नहीं, बताया गया होगा आपको, आप भी देख रहे हो, एक एक टर्म को हम आपके सामने रख रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, और आपने देखा भी होगा टेंस और नरेशन पढ़ते पढ़ते आपने एक्स्ट्रा चीज का भी कुछ नॉलेज लिया होगा। अगले बार होगा रेयान टेस्ट इंग्लिश का। Yes, sir. अभी तक बस पढ़ो ना जो नरेशन पढ़ा रहे हैं। अरे बात समझ में ना। Yes, sir. जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है देखिए, ये मिला ये लेकर आपके पास 2 वीडियो हो जाएगा नरेशन का, ये लेक्चर सेकंड रहेगा, और आई होप दैट आप सभी बहुत अच्छे तरीके से करोगे इसको, करोगे ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो चलिए ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से बताते हो तो देखो मेरे को भी ना पढ़ाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, सारी बात समझ में। और नहीं बताते हो तो गुस्सा आता है, इतना बताने के बाद में नहीं हो रहा है। मैं इसलिए सारे इस वर्ड को बोल रहा हूँ कि अगले बार आप सभी को 100% दोगे, सारी बात समझ में ना। तो आज ये क्लास को इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइस एंड कीप स्टडी, ओके थैंक यू सर, जैसे टेंस का हुआ वैसे इसका भी हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना।
ये हम आपको पहले करने के लिए भी देंगे और करवाएंगे भी. ओके चलिए अब क्लास को ऑफ करते हैं. थैंक यू सर. बाय एवरीवन. टेक केयर. थैंक यू सर.